TN08 में आपका स्वागत है, मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UVN08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। जो देखा सो दिखाए। देखते रहिए UVN08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। विदिशा ब्यूरो चीफ रणजीत सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। तहसील कुरवाई के किसानों ने किया बिना तिराहे पर किया चक्का जाम। खाद न मिलने पर परेशान हजारों की संख्या में थे किसान। किसानों का कहना था कि कुछ दिन पूर्व में क्षेत्रीय विधायक के निर्देश पर भी खाद की आपूर्ति नहीं हो पाई। किसानों को रवि की बोनी के लिए समय निकलता जा रहा है। अभी सोयाबीन की फसल तो पहले ही खराब हो चुकी थी, अब सरकार समय पर खाद नहीं दे पा रही है। किसान अपनी मांग के लिए अड़े रहे, तब तहसीलदार के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। अक्टूबर के दिन, 19 अक्टूबर के दिन विधायक जी के पास सैकड़ों किसान पहुंचे थे, तो माननीय हमारे विधायक जी ने आदेश जारी किया था, डबल लॉक में खाद जारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन आज 27 तारीख हो चुकी है, आज एक भी बोरी एक भी किसान को खाद नहीं मिला है। बताइए विधायक जी ने आदेश था, विधायक जी ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, ये देखिए, इसमें डाला था ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए किसान भाइयों को कमलनाथ सरकार के झूठे वादों के कारण ओवरड्यू हुए किसानों को डबल लॉक के माध्यम से कलेक्टर महोदय से बात करके किसानों को खाद वितरित करने का आदेश जारी कहा गया था। लेकिन अभी तक 11 दिन हो चुके हैं, 10 दिन अभी तक कोई खाद प्राप्त नहीं हुआ किसानों। माननीय श्री हरि सिंह जी सप्रे जी, अभी तक खाद मिली? कोई खाद नहीं मिला अभी तक। अभी कितने लोग हैं यहाँ? अभी यहाँ पे 1500 लोग हो सकता है। ग्राम करमेड़ी से अभी आप किसी अधिकारी से बात हुई? अभी बात नहीं हुई किसी अधिकारी से। 3 बार उस दिन विधायक जी से बात हुई थी, विधायक जी ये बोलते थे कि खाद आ जाएगा, अभी तक खाद ना मिला ना आया। आपको खाद नहीं मिलता है तो क्या रणनीति आगे की? यही चक्का जाम करेंगे, बोनी तो करेंगे, जमीन तो बोएंगे, ऐसा थोड़ी है जमीन खाली डाले रहेंगे। उन्होंने क्या जवाब वगैरह करे? एक दो रोज में आ जाएगा ना, एक दो रोज में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। सब हालात एक्शन एक्शन।